और मेरे भाइयों किसी शायर ने कह दिया, सर पर भगत सिंह का नाम है, कहता है कि आज नोटों पर छपना चाहिए तो भगत सिंह छपना चाहिए था। हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं उस गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर पे कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। भगत सिंह की चीखों का बहुत अच्छे कि गांधी रे गांधी तने दी आजादी, चला चला के चरखा, कि गांधी तूने दी आजादी चला चला के चरखा, लेकिन और आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। इस प्रकार से उसकी मां, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ी सी देशभक्ति जाग गई और देखकर, क्योंकि ये राजस्थान भूमि है, इतिहास में उठाकर देख लो सबसे ज्यादा वीर इस राजस्थान भूमि से ही हुए हैं। भारत भूमि के लिए जान की बाजी लगाई तो इस राजस्थान भूमि से, क्योंकि वीरों की भूमि इसको कहा जाता है। आइए प्रेमियों, भगत सिंह किस प्रकार से अपनी मां से कहता है सुनते हैं भला। आइए, ये बता दिया कि तुझे पता नहीं है मां, आज मैं ब्याहला बनूंगा और मेरे बराती राजगुरु और सुखदेव मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की डर नहीं है। हेरी रोने वाली बात न माता, और तू गीत खुशी करी गाले, हेरी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याहले, धार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं, इसलिए अपने देश से भी प्यार रखना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। प्रेमियों, आइए क्या बता दिया पहली बात में, कायरता का कायरता
ये जिंदगी का चैन और करार तुमसे है, मुझे इस जिंदगी का चैन और करार तुमसे है और जिंदगी की हर बहार तुमसे है। न्यू तो देखे हैं हमने भी लाखों हंसी इस दुनिया में, लेकिन मुझे तो सच्चा प्यार तुमसे है, सच्चा प्यार तुमसे यारो। किस वजह से आई है? जोरदार ताली बजा दे, जोरदार। आइए दूसरी बात में क्या बता दिया, ये बता दिया। बेटा मैं जो बहुत घुसोड़ी थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और पढ़ लिख कर तू शादी करेगा, न्यू कहने लगा भगत सिंह की री माता तेरे दिल में खुशी होगी मेरे ब्याह होने की, लेकिन तू चिंता मत कर शादी करूंगा और मेरी शादी किस किस तरह होगी, कैसे कैसे मैं सजूंगा, कौन कौन मेरे बराती होंगे और कैसा मेरे सर पर सहरा होगा, एक एक बात खोलकर बताता है। आजादी मेरी घरवाली कौन होगी? कौन? वो होगी आजादी। और वो आजादी कैसे आएगी? कैसे? वो आजादी मेरी मौत बनकर आएगी। किस प्रकार से? के बताने लगा? और प्रेमियों कहते हैं कि भगत सिंह गांधी जी ने, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, यूट्यूब चल रहा है, अगर पकड़ में आ गए ना पुलिस थाने में जाऊंगा, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मेरे अंदर देशभक्ति है। अच्छा, एक किताब में लिखा हुआ भी है कि उस भगत सिंह को इन नेताओं ने जिनके हाथ में इसकी डोर थी, जब उनके चले जाने के बाद जब आजाद हो गया था, नेता बन चुके थे, कुछ नेताओं ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया था, ये तो आतंकवादी है, ये तो दंगे फसाद करवाता है, क्या वो आतंकवादी था? आप बता दो, क्या चरखा चलाने से आजादी आ जाती? आप बता दो, आजादी ऐसे नहीं आती, इतने इतने खून बहा है वीरों ने और वीरांगनाओं ने, ये आजादी जब आई है, आज हम और तुम सब आजाद हैं, तो इस आजादी को लाने में बहुतों की मेहनत है, इसलिए अपने देश को अच्छा और सच्चा बनाकर रखो। किस प्रकार से? तीसरी बात में क्या बता दिया? लगन कैसे कैसे चढ़ेगी मेरी? हाँ। बारात कैसी आएगी? कैसी? सहरा कैसे चढ़ेगा? सुनिए, हेर तेरे पुत का लगन लिख्या मां गोरे टोपे आला री, कंगने की जगह तेरे पुत ने
और ये तख्ता है जो फंदे पर मैं चढ़ूंगा, जब उस तख्ते पर चढ़ूंगा वहां पर मेरी बरौटी होगी। तू अपने दिल में ऐसा समझ लेना जैसे तेरे भगत सिंह की शादी हो रही हो। इस तख्ते ऊपर हो वे भगत सिंह, इस तख्ते ऊपर हो वे बरौटी, फंदा है वरमाला जी, सहरे की जगह, सहरे की जगह तेरे पूत ने साहिबाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? फिर कैसे काजल? दो गज जमीन न मिलेगी तफन के लिए। हाँ, जाने जानू सारी बातें, आज तो मैं जोश कुछ ज्यादा भाई इनके चक्कर में कभी मत आइयो। अरे अपने आप कह दें, अपने आप बिगाड़े। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? अरे दो गज जमीन भी नहीं मिलेगी कफन के लिए। अच्छा, इस कफन के लिए? अरे मरो तो मरो उस वतन के लिए। ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देंगे आपके कफन के लिए, आपके कफन के लिए। आइए और न्यू कहने लगे मेरी बारात पहुंच जाएगी उन गोरों की, उन अंग्रेजों की तख्ते पर, तो जो अंग्रेजों के सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो मेरा आरता करेंगे। ये समझ लेना तेरे बेटे की बरोटी हो रही है। और का खुशी है, वो तो बेटा दे। ऐसी चढ़ बारात मात कद शिव जी की भी चढ़ी नहीं, भारत के नौजवान छुड़ा में हत गोला और फूल झड़ी। निचोड़ करते हुए मैं अपने वीरों को, अपने नौजवानों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपके अंदर इतनी देशभक्ति है। हम बहुत प्रोग्राम करते हैं लेकिन आप वीर भी हैं, आप रसिया भी हैं, क्योंकि रसिया उनकी भूमि है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो आपने इतने मन लगा के इस देशभक्ति रागनी को सुना। इस लास्ट की कली में न्यू कहने लगा भगत सिंह कि मेरे बाजे वाले भी सुन ले, जो आजकल डीजे चलता है, मेरे बाजे वाले डीजे वाले कौन होंगे, किस प्रकार से बताने लगा।